हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आसान तरीके से इंस्टेंट पनीर स्टफ भटूरे बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। और ये देखिए, भटूरे हमारे एकदम गुब्बारे जैसे फूले फूले बन के तैयार होंगे। भटूरे का डो बनाने के लिए हम लेंगे एक बर्तन और इसमें डालेंगे 1 कप या 1 कटोरी मैदा। ग्राम से देखा जाए तो यहाँ मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। और अब हम इसके बीच में इस तरीके से होल कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच दही। यहाँ मैंने घर का बना खट्टे वाले दही का यूज़ किया है। इंस्टेंट भटूरा बनाने के लिए आप भी खट्टे दही का यूज़ करें। खट्टे दही का यूज़ करेंगे तो आपको इसमें ईनो डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून या 1 चम्मच शक्कर। यहाँ मैंने चीनी का यूज़ किया है, आप चाहे तो चीनी को ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से भी कम नमक। नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा, जिसे आप मीठा सोडा भी कहते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच सूजी या रवा। सूजी डालने से भटूरा हमारा बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनता है। और ये देखिए, यहाँ मैंने 2 चम्मच सूजी डाल दिया है। और अब हम चम्मच से ही सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और हमारा चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ कुकिंग ऑयल डालने से भटूरे हमारे एकदम सॉफ्ट और अंदर से मुलायम बनेंगे। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को 1 मिनट के लिए चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे साफ हाथ से अच्छे से मिलाते हुए हम सारे मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे, जिससे हमारा डो अच्छा से प्रिपेयर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने दही के साथ मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैदे का एक अच्छा सा डो प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ मैंने जिस कटोरी से दही डाला था उसी में पानी ले ली हूँ। और उसी पानी को हम डाल के थोड़ा थोड़ा इसका अच्छा सा एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने थोड़े थोड़े पानी डाल करके डो बना के तैयार कर लिया है। ये डो ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। और अब हम इसे ढक करके 7 से 8 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखेंगे, जिससे डो हमारा अच्छे तरीके से फूल जाएगा। और जब तक डो हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम इसका स्टफिंग बना लेते हैं। और इसके लिए यहाँ मैंने एक प्लेट लिया है और एक ग्रेटर लेंगे। और यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, ये घर का बना फ्रेश पनीर है। पनीर को हम इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, पनीर हमारा ईजिली ग्रेट हो गया है। और हम इसे हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए 3 से 4 टुकड़े हरी मिर्च डालेंगे। बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/4 चम्मच इसमें फ्लेवर के लिए घर का भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप तीखे के लिए काली मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। आप कस्तूरी मेथी की जगह धनिया पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा सारा इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप स्टफिंग को और चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला और आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। डो को रेस्ट पे रखे हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए, डो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। हम इसे हाथों से इस तरीके से चिकना कर लेंगे। और अब हम एक इस तरीके का थाली या प्लेट लेंगे और इसे कड़क हाथ से हम इस तरीके से डो को अच्छी तरीके से मसल लेंगे, जिससे इसका ग्लूटेन एक्टिव हो जाएगा। हम इसे इस तरीके से प्लेट पे अच्छे से पटकते हुए हम इसे मसलेंगे, जिससे ये डो हमारा और ज़्यादा सॉफ्ट और लचीला हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने दोनों हाथों से इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के मसला है, जिससे हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और जब हम इसका भटूरा बनाएंगे तो ये बिल्कुल ही फुला फुला बनेगा। हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पटकते हुए इसे मसल लेंगे और डो पे हम अपना सारा गुस्सा निकाल लेंगे, जिससे
भटूरे बनाते समय भटूरे हमारे एकदम गुब्बारे के जैसे फूले फूले बनेंगे। और आप देख सकते हैं डो को मसलते हुए 2 मिनट हो गया है और डो हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। आपको जिस साइज का भटूरा बनाना है उस साइज का आप लोई तोड़ लें। और ये देखिए यहाँ मैंने सारे लोई तोड़ कर रख लिया है। और अब हम एक लोई लेंगे और इस तरीके से राउंड करेंगे और इसका पेड़ा बनाएंगे। और इस तरीके से दोनों हाथों पे हम इसे गोल घुमाते हुए इसे इस तरीके से फैला लेंगे। और अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। यहाँ मैंने जो पनीर का स्टफिंग बनाया था 1 चम्मच हम स्टफिंग लेंगे और हम इसे डो में डालेंगे। डो में डाल करके हम इसे हल्के हाथों से बीच में दबा लेंगे और डो को हम चारों तरफ से इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए बंद कर लेंगे और इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। और सेम तरीके से हम सारे स्टफिंग को डो में फील करके इसे का इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। और यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है तो चलिए हम पेड़े से भटूरा बना लेंगे। इसके लिए हम पेड़ा लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा या सूखा आटा डाल करके हम हल्के हाथों से दबा लेंगे। और अब हम इसे बेलन से हल्के हाथों से सभी तरफ से घुमाते हुए बेल लेंगे और इसे भटूरे का शेप देंगे। यहाँ मैंने इसे गोल आकार में बेला है। आप इसे चाहिए तो अंडाकार या ओवल में भी बेल सकते हैं। आपको जिस शेप का भटूरा चाहिए आप उस शेप में इसे अच्छे से बेल ले। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे अच्छे तरीके से घुमाते हुए बेल लिया है। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो स्टफिंग हमारा बाहर निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं भटूरे को यहाँ मैंने अच्छे से बेल लिया है। और अब हम चलिए इसे फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हम तेल में एक छोटा सा बॉल डाल करके देखेंगे कि तेल हमारा अच्छे से गर्म है कि नहीं। और ये देखिए यहाँ मैंने बॉल को डाल दिया और ये इजीली ऊपर आ गया है। और भटूरे के लिए तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। और अब हम इसमें भटूरे डालेंगे। भटूरे डाल के हम इसे इस तरीके से हाथों से दबा लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे। और ये देखिए भटूरे हमारे धीरे धीरे अच्छी तरीके से फूल गए हैं। और अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे और आप देख सकते हैं भटूरे हमारे बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। इस तरीके से आप भटूरे बनाएंगे तो आपका भटूरा गारंटी है कि फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट और फूला फूला बन के तैयार होगा। तो आप भी झटपट से इंस्टेंट इस तरीके से भटूरे बनाएं, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने भटूरे को ऑयल में अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। और सेम तरीके से हम दूसरे भटूरे को भी ऑयल में डालेंगे और इसे भी हाई फ्लेम पे 20 से 30 सेकंड के लिए एक तरफ से सेक लेंगे या फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई होने के लिए रखेंगे। और ये देखिए भटूरा हमारा दूसरा भी कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल गुब्बारे के जैसा फूल गया है और ऊपर से बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है। हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। और अब हम इसे भी ऑयल में से निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं भटूरा हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है और इसके ऊपर बिल्कुल भी ऑयल भी नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है। इस तरीके से भटूरे बनाएंगे तो भटूरे आपके ज़्यादा ऑयल भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं भटूरा हमारा बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहा है। और ये देखिए यहाँ मैंने भटूरे को छोले के साथ सर्व किया है। हम इसे बीच में से इस तरीके से तोड़ लेंगे और आप देख सकते हैं भटूरे में स्टफिंग भी बहुत अच्छे से फील हुआ है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में।